बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए चीज़ गार्लिक ब्रेड की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आप मैकडॉनल्ड से बिल्कुल नहीं मंगाओगे, इसे घर में ही बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बनती है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसके लिए मैंने 1/2 टेबल स्पून के करीब ईस्ट ले ली थी, और उसके बाद मैंने 1/2 टेबल स्पून ही मैंने चीनी ले ली थी, और 1 ग्लास के करीब गुनगुना पानी मैंने लिया था। और पानी को मैं ईस्ट और चीनी में डाल दूंगी और इसको अच्छे से चला लूंगी ताकि ईस्ट अच्छे से मेल्ट होने स्टार्ट हो जाए और इसका काम कर लिए। और इसको ढक के मैं 10 मिनट के लिए ऐसे ही फिर छोड़ दूंगी। अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन में भी ट्राई कर सकते हो। मेरे पास ओवन नहीं है तो मैं इसे पतीले में बनाऊँगी। अब देख सकते हो 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से ईस्ट बहुत अच्छे से राइस हो चुकी थी। उसके बाद मैंने 1 कप के करीब 1.5 कप मैंने मैदा ले लिया था, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी और सॉल्ट और मैदे को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और उसके सेंटर में मैं सारे ईस्ट वाला लिक्विड डाल दूंगी और इसको हल्के हल्के हाथों से गूंद लूंगी। ज़्यादा हार्ड डो नहीं रखना है मुझे, मैंने सॉफ्ट वाला डो रेडी किया था इसका। और इसमें थोड़ा से ऑयल डाल के इसको ढक के ऐसे ही छोड़ दूंगी 1 घंटे के लिए। अगर आप चाहो तो आधे घंटे बाद भी आपका डो राइस हो जाता है तो आप इसे बना सकते हो। और इसको ढक के मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद आधा घंटा हो चुका था माशाल्लाह से, और डो मेरा बहुत अच्छे से राइस हो चुका था, आप देख सकते हो। मैं इसको थोड़े से पंच लगा दूंगी और इसको थोड़ा से मैदा डाल के वापस से इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। इसके मैंने बॉल बना लिए थे और इसको साइड में रख दिया था। यहाँ पे मैं ओरिगानो सीजनिंग रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने गार्लिक पाउडर लिया था 1 टेबल स्पून, ओरिगानो लिया था 1 टेबल स्पून के करीब, 1/2 टेबल स्पून मैं लूँगी काली मिर्च पाउडर, और 1 टेबल स्पून लूँगी मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 1 टेबल स्पून ही मैं लूँगी चिली फ्लेक्स, और उसके बाद थोड़ा से सॉल्ट डालूँगी। अब ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर ओरिगानो सीजनिंग भी मेरी रेडी हो चुकी है। इसे बनाना कितना आसान है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छा जी, इसके बाद मैंने बटर को 1/2 कटोरी के करीब बटर लेके उसको मेल्ट कर लिया था, और उसमें मैंने 8 से 10 लहसुन की कली को चॉप करके डाल दिया था, और दोनों को चलाते हुए एक साइड में रख दूंगी मैं। उसके बाद मैंने थोड़ा से मैदा डस किया था चकले पे और उस पर 1 लुआ रख दिया था, और हल्के हल्के हाथों से मैं इसको फैला दूँगी। ज़्यादा ताकत से नहीं फैलाना है इसे, नहीं तो इसकी एयर बाहर आ जाएगी। उसके बाद मैंने गार्लिक बटर लगा दिया था इस पर, और उसके बाद मैंने ओरिगानो सीजनिंग डाल दी थी, और उस पर चीज़ अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा आप डाल सकते हो। और ये रोटी को मैं ऐसे फोल्ड कर लूँगी और इसको चारों तरफ से अच्छे से पैक कर लूँगी, और पैक करने के बाद मैं इसमें कट लगा लूँगी। कट मैं हल्के हल्के हाथों से लगाऊँगी कि नीचे के पोर्शन में कट नहीं लगे, सिर्फ ऊपर ही ये अच्छे से कट हो जाए। सारे कट मैंने अच्छे से लगा लिए थे, आप देख सकते हो। और उस मैंने एक प्लेट में, जो प्लेट में मैं इसको बेक करूँगी वो प्लेट में मैंने बटर पेपर रख दिया था, और उस पर भी थोड़ा से बटर लगाया था, और उसमें मैं इसको रख दूँगी। और उसके बाद मैं इसमें ऊपर से भी गार्लिक बटर लगा दूँगी मेरा, और उस पर ओरिगानो सीजनिंग भी डाल दूँगी ताकि आपको बिल्कुल खाने में इसका टेस्ट मैकडॉनल्ड जैसा ही आए। इससे बनाना कितना आसान है आप देख सकते हो माशाल्लाह से। अब ये पतीले में मैंने सॉल्ट डाल के एक स्टैंड रख दिया था और इसको गर्म करने के लिए रख दिया था। अब मैं इसको बेक कर लूँगी। मैंने आधे घंटे के लिए इसको बेक कर लिया था, मीडियम आँच पर मैंने इसको बेक किया था, और माशाल्लाह से ये बिल्कुल रेडी हो चुका था। आपको आज की मेरी चीज़ गार्लिक बटर की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक दीजिए, आगे शेयर भी कीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना जी। फिर मिलूँगी जी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।